नाजिम बात सुनो मेरी। देखो नाजिम, यूं झगड़ के हम कोई हल नहीं निकाल पाएंगे किसी बात का। नाजिम बात सुनो मेरी, जानता हूं मैंने जो किया वो गलत किया, पर जो तुम भाग करके आ रही हो ना, वो उससे ज्यादा गलत था। जहां तक रिदा की बात है, मेरे और उसके बीच में वैसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक है तो सिर्फ इतना कि वो मेरे बच्चों की माँ है, बस। अच्छा, तो ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ, वो क्या था? तस्वीरें खिंचवा रहे थे उसके साथ खड़े होके, खुश थे, हंस रहे थे। जानता हूँ एक तस्वीर खिंचवा रहा था मैं, शायद मुस्कुरा भी रहा हूँ, पर उसके पीछे बच्चा रिदा नहीं थी। रामीन ने मुझे इंसिस्ट किया था, हाथ पकड़ के खड़ा किया था वहां, इसीलिए वो तस्वीर खिंचवा रहा था। मैं... किसका फोन आ रहा है? अब दिखाओ जरा मुझे, जवाब दो मुझे, क्या हो रहा था वहां पे? नाज़दीन, मेरी एक बात आराम से पल्ले बांध लो, मेरे और रिदा के बीच में ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं था तो फिर बात छुपाई क्यों? छुपाई सिर्फ वो बात जाती है जहां पे इंसान कोई झूठ बोल रहा हो। झूठ बोल रहे थे ना तुम मुझसे कि अब तुम्हारा रिदा का कोई ताल्लुक नहीं, छुप छुप के मिल रहे थे ना उससे, आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है ना? मेरी मोहब्बत, मेरा भरोसा, सब कुछ तुमने धोखा दिया ना मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मानता हूं पूरी बात नहीं बताई तुम्हें, पर वो इवेंट ऑफिशियल ही था। वो अलग बात है कि वो रिदा के ऑनर में था, लेकिन वहां जितने लोग थे ना, वो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, सब ऑफिशियल्स थे। मैं भी वहां ऑफिशियल इन्विटेशन पर ही गया था। देखो, बात बड़ी सीधी है, मेरे बच्चे अगर मुझे कभी भी कहीं भी बुलाएंगे तो मैं उनकी पहली आवाज पे वहां पहुंचूंगा। वो खून है मेरा, और जब जब उन्हें अपने बाप की जरूरत होगी मैं जाऊंगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, फिर चाहे मेरे जाने से तुम 10 बार नाराज हो या 1000 बार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाजो, ये तो अच्छा नहीं कर रही। अम्मा भी जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसी बेवकूफी मत कर, हम माँ से बात ना करके तू उसे खोने का मौका दे रही है। तुमने देखा नहीं उसने क्या किया मेरे साथ? तुम फिर भी मुझे समझा रही हो? हाँ, तुझे ही समझा रही हूँ, उसे नहीं समझा सकती। अरे, तुझे इसलिए समझा रही हूँ ताकि जज्बात में बहकर उसे खो ना दे तू। मतलब क्या है तुम्हारा? देख नाजो, तू भी अच्छे तरीके से जानती और मैं भी, हम मात की कमजोरी सरासर उसके बच्चे हैं। वो बार बार दौड़ के उस घर सिर्फ अपने बच्चों की खातिर जाता है। ये तुम कैसे कह सकती हो? उसने खुद मुझसे ये बात की। अरे, तुझे क्या पता औलाद की मोहब्बत में कितनी कशिश होती है। अगर तुझे पता होता तो तू उसे ये औलाद का तोहफा देती। औलाद की मोहब्बत बीवी की मोहब्बत से कहीं बढ़कर होती है। पैर की बेड़ियां होती हैं औलाद, इसीलिए वो वापस दौड़ दौड़ के वहां जाता है।
चलाओ। क्या तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। क्या हुआ बेटे, खैर तो है? शामीन हॉस्पिटल में है, बेहोश है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। देखा, देख लिया तूने, मेरी बात अभी के अभी सच हो गई। देखा औलाद की कशिश कैसी होती, कैसी होती औलाद की कशिश। जा कर ले अब जो करना है तुझे, लानत पड़े तेरी शक्ल पे, कभी ना सुनना मेरी।